गाइस वेलकम बैक टू फैमिली रीम्स। मैं आप लोग के दोस्त रही मैं। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई नो बहुत टाइम हो गया है हम लोगों को मिले हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आया। तो गाइस उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। बीमार से मीन्स मेरा थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा हाई, इवन थायराइड लेवल क्रॉस हो गया था। इसलिए मुझे डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला था। सो आई कांट मेक वीडियोस, आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मुझसे प्रॉपर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो दैट्स व्हाई गाइस वीडियो नहीं आ पाए थे। बट मैं दोबारा, अब मैं काफ़ी हद तक अच्छा फील कर रही हूँ। वैसे मेरे फेस से आपको लग रहा होगा कि आई एम, मतलब अभी मैं ठीक हो, प्रॉपर ठीक होके नहीं उठी हूँ। मेरा डल फेस कितना ज़्यादा डल लग रहा होगा आप लोगों को। सो गाइस मैं, हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है, तो वी आर इन न्यू हाउस। और मैं आप लोग के साथ आज अपने डॉटर का रूम शेयर करने वाली हूँ। आज मैं करने वाली हूँ उसका मेकओवर। चलिए आइए करते हैं हम अपनी डॉल का मेकओवर। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दोनों डॉल का रूम कैसा है। सो गाइज ये है मेरी दोनों डॉटर्स का रूम। अभी आप देख रहे हैं पूरा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये रूम अभी जस्ट हमने दो दिन पहले शिफ्ट किया है। तो उस रूम में सिर्फ एक बेड डाला है और अभी ड्रेसिंग टेबल डाली है और डॉटर्स की अलमीरा डाली है। तो अभी इसको इतना अच्छे से मेकओवर नहीं किया, इसलिए आज इसका वीडियो में हम अच्छे से मेकओवर करेंगे। और ये जो आप स्टिकर्स देख रहे हैं ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले लगाया था। और ये एसी के ऊपर पाइप जा रहे हैं, इन्हें कवर करने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। बहुत टफ जॉब था हमारे लिए ये, और इसे कवर करना बहुत टफ था। अभी आप देख रहे हैं जो साइड में कर्टन्स वगैरह भी नहीं डाले, सब भी डालना बाकी है। और अभी आप देखेंगे मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरी वॉल्स को अच्छे से स्टिकर से कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने फर्स्टली जो ये हमारी अलमीरा थी, वॉर्डरूम थी मेरी डॉटर्स की, उसके साइड में मैंने इस साइड वॉल पर मैंने ये स्टिकर्स लगाए हैं। और ये भी मेरा एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कि मैंने मंकी एंड फ्रेंड्स को थोड़ा सा दूर दूर कर दिया था, तो जो ग्रास थी वो छोटी पड़ गई थी। बट यार लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था साइड वॉल पे ये लगने के बाद। देखिए फुल स्टिकर लगने के बाद ऐसा लुक आया था। और इसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, वो थोड़ा पहले हो गया था। उसी के बाद एक्चुअली मुझे आइडिया आया कि मैं वीडियो बनाऊं। और इस साइड वॉल पे, बेड की साइड वॉल पे मैंने और भी स्टिकर्स का यूज़ किया है। एक्चुअली बच्चों के रूम में स्टिकर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि रूम को स्टिकर से कवर करूं। और ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी वॉल थी, तो मैंने इसके लिए स्टिकर्स भी काफ़ी बड़े वाले ऑर्डर किए थे। ये मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड क्लब फैक्ट्री तीनों से ही ऑर्डर किए हैं। तो अभी इसके बाद वाले वीडियो में हमें भी शायद मैं इसके नेक्स्ट होगा या नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा वीडियो आने वाला है आपके साथ, उसमें मैं आपके साथ ये स्टिकर्स वगैरह का हॉल भी शेयर करने वाली हूँ, जो भी चीज़ें मैंने बच्चों के रूम के लिए ऑर्डर की थी। तो गाइस ये लगाते लगाते मैं थोड़ी टायर्ड होना शुरू हो गई थी। आप लोग को पता है मुझे थायराइड का इश्यू हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा देर तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने हबी की हेल्प ली थी। और ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ना, लगने के बाद बहुत प्यारा लगा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि हमने बेड की जस्ट बिल्कुल थोड़ा पास से ले लिया, थोड़ा मैं इससे दूर करके लगाना था। तो उससे क्या होता कि क्योंकि यहाँ पे एक टेडी आता है, तो बड़ा टेडी होने की वजह से ना ये थोड़ा उसमें उसके पीछे आ गया है, कवर हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका लुक इतना अच्छा नहीं आया। बाकी वैसे ओवरऑल पूरा लगने के बाद बहुत अच्छा लगा। अभी आप देखिए पूरे स्टिकर को, देखिए वॉल पे कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों स्टिकर्स। एंड ये हमारे वॉशरूम की साइड वॉल पे हमने ये स्टिकर लगाया है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टिकर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्टिकर आएगा, बट काफ़ी अच्छा बड़ा स्टिकर्स था ये। सो फ्रेंड्स लगने के बाद ये स्टिकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि डॉटर्स का रूम है तो इस तरह के स्टिकर्स लड़कियों के रूम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो लड़कों के रूम में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट हाँ लड़कियां हैं तो लड़कियों के रूम में ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड लगने के बाद सच में बहुत अच्छा लुक आया था और वॉल को भी काफ़ी हद तक ये कवर कर रहा था। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे हाथों का यूज़ कर रहे हैं। आप हो सके तो कोई भी ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले लें अपने हाथ में और उससे इसको लगाएं, तो तब फिर एक भी ना इसके बीच में सलबट नहीं आएगी और बिल्कुल क्लियर प्लेन लगेगा आपका स्टिकर। वैसे हमने हाथ से भी काफ़ी प्लेन लगाया था, हमारे स्टिकर्स में वो नहीं थी।
सलवट नहीं थी। और गाइज ये वाले जो स्टिकर्स हैं, ये स्टिकर्स मैंने डोर के लिए लिए थे, दरवाजे के लिए, बट डोर पे बहुत ट्रांसपेरेंट से शो हो रहे थे, इनका दिख नहीं रहा था फेस वगैरह। और वॉल पे लगाए तो वॉल के लिए ये वाओ इतने बढ़िया लुक दे रहे थे, बट थे बहुत बड़े बड़े, मतलब मेरे पूरे रूम में कम से कम इसमें 5-6 स्टिकर्स एक साथ आए थे ये एक साथ, और पूरे रूम को काफ़ी अच्छे तरह इन्होंने कवर कर लिया। जहाँ भी मुझे खाली स्पेस लग रहा था वहाँ मैंने इनका एक एक स्टिकर लगाया, क्योंकि इनमें प्रिंट एनिमल प्रिंट्स थे, तो आप कहीं पर भी कोई सा लगा सकते थे, कहीं एलिफेंट, कहीं पे एलिफेंट, कहीं पे मंकी, कहीं पे ये था क्रोकोडाइल था, कहीं पे जिराफ। तो इस तरह से मैंने पूरे रूम में जहाँ जहाँ खाली स्पेस था वहाँ पे इसको कवर किया है, पर था बहुत बड़ा ये। और गाइज ये जो स्टार्स आप देख रहे हैं ये वो है रेडियम स्टार्स जो मतलब पहले चलते थे, अब तो इतना नहीं चलते, बट मैंने अपनी डॉटर के रूम को कवर किया है इससे, लगने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऊपर की जितने जो वॉल थी वो पूरी हमने इसे स्टार से कवर की है। रात को नाइट व्यू बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा सुकून भरा भी होता है, तो मुझे अब भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों के रूम में ये नहीं लगाना ज़्यादा बेटर समझा, कि ब्लैंक वॉल छोड़ने से बेटर। तो ये हमने पूरे रूम में लगा दिया, और ये जो ये जा रहा है ना इसी पाइप, इससे लगाने में, इसको कवर करने में हमारी बैंड बच गई। आप इसको आगे देखेंगे कि हमने इसके ऊपर कैटरपिलर से इसको कवर किया है, बट सीरियसली हाथों में दर्द होने लगा था। और ये हमने अलमीरा के ऊपर टैडीज़ लगाए हैं, जितने जो छोटे छोटे टैडी थे वो हमने सारे अलमीरा अपने वार्डरूम बच्चों की वार्डरूम के ऊपर लगा दिए। और क्या एक्चुअली ना अच्छा लगता है अगर आप वार्डरूम के ऊपर टैडी का स्पेस रखते हैं, या तो आप मतलब उसे कवर करा के भी रख सकते हैं, बट अगर आप ब्लैंक मतलब उससे ऐसे ही उस पर रखते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो हमने पूरा जो भी इसकी स्पेस बचा हुआ था वार्डरूम के ऊपर का, वो हमने टैडी से कवर किया है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है रूम का, बच्चों के रूम का। उसके बाद गेट पे मैंने एक ये लगा दिया था मेरी की ट्विटी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं रूम का फाइनल मेकओवर। ये देखिए ये वॉल पूरी तरह से कवर होने के बाद स्टिकर से ऐसी लग रही थी, गेट के ऊपर स्टिकर मंकी का, एंड ये साइड वॉल पे मंकी एंड विद स्टिकर, नीचे गाड़ी में ट्विटी, छोटा ट्विटी बैठा हुआ है, एंड ये वॉशरूम के ऊपर स्मॉल टेडी सारे बैठे हुए हैं। और इस साइड आपने देख ही लिया है, ये मैंने वॉल पे एक मंकी हैंग किया है, इवन इस वाले वॉल पे भी मैंने एक मंकी हैंग किया है, तो थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। और अगर कोई छोटा बच्चा है ना तो वो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है टेडीज को अगर वॉल पे हैंग देखते हैं। और ये देखिए ये स्टिकर्स इस तरह से लग रहे थे, और साइड पे हमने ये मेरा कवर हो रहा है इस बड़े टेडी से आगे का हिस्सा, और ये मेरी डॉल का बेड है, ये भी न्यू बेड है। तो और ये देखिए इसी के पाइप में साइड में हमने ये कैटरपिलर से इसको कवर किया है, इसे कवर करने में हमारी बहुत बैंड बजी है। ये दो कैटरपिलर से हमने इसी के पाइप्स को कवर किया है, और ये हमने बटरफ्लाई लगाए हैं दोनों प्रिंसेस के साइड में, प्रिंसेस स्टिकर्स के साइड में हमने इस बटरफ्लाई से इसको कवर किया है, तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। और ये मेरी मैडम की, दोनों मेरी डॉटर्स की, ये ड्रेसिंग टेबल है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डॉटर्स हैं कि ड्रेसिंग टेबल की ज़रूरत है, एक्चुअली है तो वो 4 ईयर्स की मेरी बड़ी डॉटर, बट उसे मेकअप का बहुत शौक है, तो इसके लिए उसके पास एक सेपरेट ड्रेसिंग टेबल है, उसका पूरा सामान उसके अंदर भरा रहता है, ये पूरा सामान भरा हुआ है उसके नकली मेकअप प्रोडक्ट से। और ये देखिए ये इस तरह से ये पूरा लुक आया है। और ये साइड में हमने ब्राउन कलर के कर्टन्स यूज़ किए हैं, क्योंकि इनके गेट के कलर भी ब्राउन है, तो हमने ब्राउन कलर का कर्टन यूज़ किया है, और पूरे रूम में स्टिकर कवर किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़